चलिए तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जितने भी लोग आ चुके हैं अब पूरा फोकस करना है एप्लीकेशन पर। हमारा क्या चल रहा है, एम्ब्रियोलॉजी में हमने पूरी चीज़ें कंप्लीट कर ली। इससे पहले हमने देखा एम्ब्रियोलॉजी के अंदर किस तरह से परागकण आता है वर्तिकाग्र पर, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में पोलन ट्यूब निकलती है और पोलन ट्यूब कैसे पहुंच जाती है एग सेल तक, ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हमने देखा था फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी हम बात कर चुके थे। उससे पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है, मौसम। हाँ, ये मौसम के कारण थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। हमारा जो बिहार PGT बॉटनी का सिलेबस चल रहा है, आप सब लोग जुड़ सकते हैं इसमें, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है और समय है अभी आपके पास में, तो आप जुड़ सकते हैं। 4.0 वाले तो बाद में भी देख सकते हैं, एक साल की वैलिडिटी है। TGT वाले ध्यान से सुनना, इनमें इसमें आपको बॉटनी भी मिल रहा है, साथ में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ मिल रहा है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। साइंस कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। संविदा शिक्षक वालों के लिए भी चलाया जा रहा है, तो आप सब लोग ये एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे अच्छे आप रिव्यू भी दे सकते हैं वहाँ पर। चलिए तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हमारा कौन सा लेक्चर है, आज हमारा पार्ट 3 है और 3 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की बात की हमने। फर्टिलाइजेशन के पहले हमने क्या बात की कि किस तरह से मिलन होगा, मतलब माध्यम कौन कौन से होंगे, ये सब हमने देख लिया। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की कि किस तरह से बीज का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो तैयार हैं सब लोग, अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग पूरा फोकस करना क्योंकि सब चीज़ें मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बताऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। और पूरा सिलेबस यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। तो सभी लोग PGT वाले, TGT वाले और आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं संविदा शिक्षक वाले, साथ ही साथ अदर एग्ज़ाम में भी काम में आएगा। ओके, तो चलिए आप देखते हो इस प्रकार का आपको क्या दिखाई देता है, बीज दिखाई देता है। भाई बीज बनता कैसे आखिर, तो हमने कल थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले ऐसी संरचना रहती है, अंदर फल बन जाता है, तो फल और बीज दोनों एक साथ ही बनते हैं। मैं पहले बोर्ड पर आपको प्रॉपर समझाऊंगा, सभी लोग ध्यान से देखना। बीज का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सीड, बीज का निर्माण हम पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, फॉर्मेशन ऑफ सीड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपके सामने मादा वाला भाग बना देता हूँ पुष्प का, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये क्या बना दिया मैंने मादा वाले भाग का, ये भी इसको भी अलग पार्ट बोला जाएगा और यहाँ पर आप देखोगे ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इन पे हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखें तो ये किस में लगा रहता है, ये इस प्रकार की संरचना में क्या होगा, ये लगा होगा, ये पुष्पासन रहता है, पुष्प का आसन रहता है। यहाँ हम इतना देख चुके हैं। अब सुनना मेरी बात, हमें आज आगे बढ़ना है सारी चीज़ों को। जिसने भी आज से पहले वाले लेक्चर कवर नहीं करे वो कवर कर लेना, ठीक है। 2 हो चुके हैं, आज तीसरा है। हाँ बिल्कुल, ओवरी बोला जाता है। ओवरी के अंदर अगर बात करें आप, तो ओवरी के अंदर हमने देखा था क्या रहता है, ओव्यूल रहता है, बीजांड पाया जाता है। इस प्रकार की क्या रहती है, संरचना पाई जाती है, ओव्यूल बोला जाता है जिसे। अब जो बीजांड रहता है, ओव्यूल रहता है, ये भी अलग अलग प्रकार का होता है। कभी मुंह ऊपर रहता है, कभी घोड़े के नाल जैसा रहता है, कभी फ्लैट रहता है। तो हम बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत निकल के आते हैं। तो इसको हिंदी में बोला जाता है बीजांड, बीजांड को बोला जाता है ओव्यूल, क्या बोलते हैं, ओव्यूल, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या रहता है, ये रहता है अंडाशय, अंडाशय को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो आप बोलोगे ओवरी, क्योंकि ओवरी ही आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है, यही कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, फ्रूट में याद रखना, फल में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे बीज का निर्माण होता है, ये भी फूलती चली जाती है, प्रेग्नेंट होती जाती है, ये फूलती जाती है और हमारे लिए वो बहुत अच्छा भाग बना देती है खाने वाला। किसी में फूलती है, किसी में नहीं फूलती, कैसे फूलती है आज बहुत बेहतरीन तरीके से हम जानेंगे और ये कंप्लीट होगा। इसके बाद हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आप पर दबाव पड़ेगा अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो। इसलिए पूरा फोकस करते रहना, पेपर आपका नज़दीक है। बीजांड हमने देखा, फिर हमने यहां पर देखा कि ये क्या है, वर्तिकाग्र है, ये क्या है, वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा बोल देंगे इंग्लिश में, स्टिग्मा। और स्टिग्मा पर क्या आ जाता है, पोलन ग्रेन आता है, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूं कि यहां पर क्या आया, ये पोलन ग्रेन आ चुका है, पोलन ग्रेन आ गया, बढ़िया सुंदर सा।
अब ये पोलन ग्रेन यहाँ आके एक बर्ती कागर वाले भाग से चिपक गया, क्यों? क्योंकि सतह पर चिपचिपा स्टिकी पदार्थ होता है। अब नीचे कैसे आएगा? तो नीचे आने के लिए यहाँ एक क्या निकलती है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, तो आप बोलोगे पोलन ट्यूब निकलती है, और पोलन ट्यूब जाके यहाँ पर जो सेल रहेगी अंदर, एग सेल, अभी मैं इसको बताऊंगा, अभी तो मैं बिल्कुल हल्के में बता रहा हूँ आपको, ये आपकी क्या है, यहाँ पर एग सेल आ जाएगी, एग सेल, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी ये नली निकली है, इसको बोलते हैं पराग नली, हिंदी में पराग नली, पोलन ट्यूब बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। इतना तो सभी लोगों को क्लियर हो चुका है, और पोलन ट्यूब के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से मिनरल्स की आवश्यकता होती है, खनिज तत्व की आवश्यकता होती है, बोरोन और कैल्शियम की आवश्यकता आप बता दोगे। अब यहाँ पर जब ये फ्यूज करेंगे दोनों के दोनों, यहाँ यहाँ याद रखना कितने मेल गैमेट आएंगे, कितने मेल गैमेट आएंगे, तो याद रखना दो, दो मेल गैमेट आएंगे, टू मेल सेल आएंगे, यहाँ पर मेल सेल आएंगी, दो आएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपसे बात की जा रही है एंजियोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन की, पुष्पीय पादपों के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो दोहरा निषेचन होता है, कल हमने इस पर डिस्कस कर लिया है, पूरी चीज़ों पर दोहरा निषेचन होता है, और इसके अंदर त्रिक संलयन होता है। आज मैं स्टोरी उससे आगे बढ़ाने वाला हूँ, आज हम बात करने वाले हैं, कल फर्टिलाइजेशन की बात की थी, आज हम बात कल से रिलेटेड है, याद रखना, लेकिन समझ में आएगा अगर आप ध्यान दोगे, कल वाला लेक्चर भी देख लेना आप पूरा, एप्लीकेशन पे प्रॉपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इससे आगे बात करने वाले हैं, तो अब ध्यान देना सभी लोग, चल रहे हैं अब हम आगे, तो अब हम बात करने वाले हैं कि बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से होता है, बीजांड से क्या होता है, बीज का निर्माण, बीज का निर्माण। तो हम सबसे पहले संरचना किसकी देखेंगे, तो आप बोलोगे सर जाहिर सी बात है हम सबसे पहले बात करेंगे बीजांड के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में अब हम बात करेंगे, तो मैं यहाँ पर हाँ ओव्यूल से होता है, बीजांड से होता है, बीजांड अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन हम नॉर्मली कॉमन मोनोकार्पिक जो चलता है हम उसकी बात करने वाले हैं, उसके बाद में आपको और भी पढ़ाऊँगा, याद रखना, हाँ ओव्यूल से सबने आंसर दे दिए। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, मान लो यहाँ पर हम ओवरी के अंदर ओव्यूल बना देते हैं, ये लीजिए हल्का सा हम ये ज़्यादा ही बड़ी ओवरी बन गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीज का निर्माण होता है तो ओवरी भी ध्यान देना फूल जाती है, पेरिकार्प मीजोकार्प अलग अलग प्रकार के वो संरचना में ढल जाती है। तो अब हम ध्यान से सुनेंगे, जो हमारा ओव्यूल रहता है, बीजांड रहता है, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से हमारा जो बीजांड रहता है, अभी मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, बीजांड है, तो बीजांड के अंदर क्या रहता है, सेल रहती हैं। अब सुनोगे आप तो आपको सारा क्लियर होगा, मैं ये वाला पेन ले लेता हूँ, क्या ये वाला पेन आपको दिख रहा है, ये देखिए, क्या ये वाला पेन आपको दिखाई दे रहा है सभी लोगों को, जल्दी से मुझे बताइए, ये वाला पेन दिख रहा है क्या, फिर मैं आगे बढ़ूँ, क्लियर, जल्दी, यस और नो, दिख रहा है, चलो आप ध्यान देना, यस, ये देखो इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये देखिए इसके अंदर बहुत सारी क्या पाई जा रही हैं, कोशिकाएं पाई जा रही हैं। तो याद रखना जो आपका ओव्यूल है, बीजांड है, इसके अंदर बहुत सारी क्या हैं, कोशिकाएं हैं। सबसे पहले मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ये है ओव्यूल, बीजांड है। मैं आगे अगर अलग पेज पे आपको अभी प्रॉपर बना के बताऊंगा, उससे पहले बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ओव्यूल रहता है इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएँ रहती हैं, और ये कोशिकाएँ कैसी रहती हैं, तो डिप्लॉयड रहती हैं, द्विगुणित रहती हैं, याद रखना। और ये जो कोशिकाओं से मिला हुआ भाग रहता है, इस भाग को क्या बोल दिया जाता है, तो इस भाग को बोल दिया जाता है बीजांड काय, न्यूसिलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूसिलस बोल दिया जाता है, इस भाग को बोल दिया जाता है न्यूसिलस,
बोले तो बीजांड काय, हिंदी में क्या बोलेंगे, बीजांड काय बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, हिंदी नाम भी याद रखना है, बीजांड काय। तो अब जो बीजांड काय है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बीजांड काय से ही आप देखोगे एम्ब्रियो सैक का निर्माण होगा, जो भ्रूण थैली है, जो आपका भ्रूण कोष है अंदर, जिसके अंदर हमने कल देखा था कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही थी, और कौन सा हो रहा था, दोहरा निषेचन, जिसके फलस्वरूप जाइगोट बना था, और क्या बना था, प्राइमरी न्यूक्लियर हमने देखा था कि एंडोस्पर्म बना था, मतलब वहाँ पर हमारा भ्रूण पोष बना था, भ्रूण पोष बना था। अब हम उसको आगे ले जा रहे हैं, एक स्टेप आगे चल रहे हैं, कल का और आज का लेक्चर वो मैं दोनों को मिक्सअप करते हुए चल रहा हूँ, लेकिन आज जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आएगा, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से मोस्ट ऑफ प्रश्न निकल के आते हैं, पीजीटी में प्रीवियस ईयर में 200 प्लस प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं पूरे चैप्टर से, एम्ब्रियोलॉजी से। तो अब देखो ये जो बीजांड काय होता है, ये बीजांड काय एक कोशिका से बना होता है। तो आप बोलोगे सर ये कैसी कोशिका होती है, द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित को क्या बोलेंगे, n या 2n, द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित मतलब 2n हो जाएगा, बोले तो डिप्लॉयड सेल आ जाएगा। इंग्लिश में आपको पता ही है द्विगुणित को क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड सेल का मतलब होता है कि हर एक कोशिका अपने आप में मां बनने की क्षमता रखती है, हर एक कोशिका क्या करती है, अपने आप में मां बनने की क्या रखती है, क्षमता रखती है, ये भी आपको याद रखना है। अब सर ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, फिर इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। डिप्लॉयड है मतलब ये अपने आप में क्या करती है, मां बनने की क्षमता रखती है, मतलब ये हर कोशिका अपने आप में मां बन सकती है, क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, यहाँ पर आपको जो ऊपर वाली संरचना दिख रही है अब हम इसकी बात करेंगे। मैं अंदर वाले भाग को, बीजांड वाले भाग को उठाकर ला रहा हूँ, अभी हमें ये अंडास ऐसे कोई भी मतलब नहीं है। तो हम नेक्स्ट पेज पर बीजांड की संरचना को समझते हैं, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, चलते हैं। अब देखो बीजांड की संरचना, क्योंकि बीजांड की संरचना समझोगे तब बीज समझ में आएगा आपको, बीजांड, ओव्यूल, और यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं मैं आपको सारी चीज़ें हिंदी में बताते चलूँगा। ओव्यूल, बीजांड की संरचना, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ना बताऊँ, मैं इंग्लिश में भी बताऊँगा संरचना, लेकिन फोकस हिंदी में भी रहेगा। तो बीजांड की संरचना कैसी है, आप देखो आप सभी लोग, यहाँ पर इस प्रकार से आपने देखा, सबसे पहले अंदर वाला भाग हमने देख लिया कि भैया अंदर हमने बहुत सारी कोशिकाएं भर दी थी, ये इसमें बहुत सारी हमने क्या कर दी थी, कोशिकाएं भर दी थी। तो ये कौन सा हो गया था हमारा, न्यूसिलस वाला भाग हो गया था, बहुत सारी कोशिकाएं बना देता हूं, ठीक है। आप लोग बढ़िया अपने हिसाब से इनको बाद में ड्रॉ कर लीजिएगा, चित्रकारी तो आपको मेरी पता ही है, चित्रकारी हमारी जरा देखिए। चलो इनके अंदर मैं एक एक बना देता हूँ केंद्रक, न्यूक्लियस, ये लो इन सभी के अंदर एक एक न्यूक्लियस बना दिया मैंने। तो ये कौन सी संरचना बना दी, हिंदी में नाम क्या आ जाएगा इसका, जल्दी बताओ, बोलते रहने से ही चीज़ें याद होंगी, आप पेपर देने चले जाओ बिना चीज़ें आए कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, अब इसके ऊपर एक संरचना पाई जाती है, अब इससे बीज का निर्माण बनेगा। बीज कितना सा है, छोटा सा है, आपने खाया होगा, पूरा बीज क्लियर करने वाले हैं अपन, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। हाँ बहुत अच्छी है, चलिए अच्छा ठीक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ध्यान से समझना। ये देखिए यहाँ से चालू कर देते हैं, यहाँ से अभी हम देखेंगे, अभी मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद में फिर हम आगे वाली संरचना के बारे में ही बात करेंगे इसकी। ठीक है, आप ध्यान सुनना, सर ये क्या बना दिया आपने, आप ध्यान से सुनना, ये बहुत प्यारी चीज़ बना दी मैंने, इसको यहाँ से ही चिपका देता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है।
नीचे ये एक और भाग बना देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए यहाँ पर। ठीक है, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। क्योंकि जो न्यूक्लियस आपका, जो आप अंदर वाला भाग देख रहे हो ना, इसका नाम मैं लिख देता हूँ सबसे पहले अंदर वाले भाग का। इस वाले भाग का जो नाम है, तो क्या नाम है? बीजांड का है, न्यूसिलस। न्यूसिलस का जो निर्माण होता है वो प्लेसेंटा से ही होता है, याद रखना, न्यूसिलस। ठीक है, अब आप जितनी बार नाम लोगे ना उतनी चीजें याद हो जाएंगी आपको। बीजांड का है, बीजांड काय, इसी से पूरे के पूरे अभी हम देखेंगे बीज का निर्माण होने वाला है, बीजांड काय से। अब बीजांड काय के ऊपर भी तो एक कवचनुमा संरचना है ना, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको इंट्यूगमेंट बोला जाता है, याद रखना। इंग्लिश नाम क्या जाएगा इसका? इंट्यूगमेंट्स, हिंदी में अध्यावरण, इंट्यूगमेंट्स, इंट्यूगमेंट्स। वाह क्या नाम है, इंट्यूगमेंट्स। चलिए, तो ये देखो, एक 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 दो परत में दिखाई दे रहा है, एक अंदर वाली परत भी आपको दिखाई दे रही है, एक बाहर वाली परत भी दिखाई दे रही है। तो ये देखिए, ये दो इंट्यूगमेंट बना देता हूँ मैं यहाँ पर, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। इंग्लिश हिंदी नाम भी लिख दूंगा मैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंट्यूगमेंट, इंट्यूगमेंट को हिंदी में बोलते हैं अध्यावरण। पेपर में आपके बार बार पीजीटी में अध्यावरण शब्द का यूज किया, और ये क्वेश्चन चार बार पूछा गया है, जब मैं करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा अध्यावरण, अध्यावरण। तो भैया ये अध्यावरण, अध्यावरण मतलब क्या हो जाएगा? बीज का आवरण। तो भैया जो आप देखते हो बीज के ऊपर जो कवच रहता है उसको बोला जाता है अध्यावरण। ये कवच दो प्रकार का होता है, क्योंकि यहाँ पर दो लेयर आपको दिख रही है, एक ये वाली और एक ये वाली लेयर दिख रही है आपको, तो इसको बोलते हैं अध्यावरण बोल दिया जाता है। इस साइड बनाता तो और क्लियर दिखता, लेकिन ठीक है। अध्यावरण कितने प्रकार का होता है? तो अध्यावरण भी दो होता है, दो प्रकार का है अध्यावरण। अब दो कौन कौन से हो जाएगा? एक तो आंतरिक और एक बाह्य, एक इनर वाला और एक बाह्य आवरण होता है, इसे बोलते हैं सीड कोट। मतलब आप बोल सकते हो बीज का आवरण हो जाएगा, ये इनर लेयर हो जाएगी, एक आउटर लेयर हो जाएगी। एक बोलेंगे अपन इनर लेयर ऑफ इंट्यूगमेंट और एक बोलेंगे आउटर लेयर ऑफ इंट्यूगमेंट। इनर मतलब आंतरिक परत और आउटर मतलब बाहरी परत। चलिए लिख देता हूँ मैं, आंतरिक परत हो जाएगी एक, आंतरिक परत, और एक क्या हो जाएगी? बाहरी परत हो जाएगी। तो पेपर में प्रश्न आएगा कि बीज का कवर किससे बनता है, तो आप बोलोगे सर इनर और आउटर लेयर से बनता है। अब जो आपकी इनर लेयर होती है आंतरिक परत, उसको क्या बोला जाता है और बाहरी परत को क्या बोला जाता है? तो बाहरी परत को टेस्टा के नाम से जानते हैं, क्योंकि बीज में टेस्ट देने पड़ते हैं बीज को, चाहे ओलावृष्टि हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। बीज तो भैया अच्छा रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, तब तो जर्मिनेट कर पाएगा वो, तो वो बाहरी परत को बोला जाता है टेस्टा। क्या बोलेंगे हम? टेस्टा। तो ये ध्यान से सुनना, बाहरी परत का नाम रख देते हैं हम टेस्टा। बाहरी परत को क्या बोलते हैं? टेस्टा बोला जाता है। और आंतरिक परत को क्या बोला जाता है? आंतरिक। बाहरी परत तो आपकी टेस्टा हो गई, आउटर लेयर जो अंदर वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं टैगमैन। क्या बोला जाता है? आंतरिक लेयर को बोला जाता है TAGMEN, टैगमैन बोला जाता है। आंतरिक परत को क्या बोला जाता है? टैगमैन बोला जाता है। इतना क्लियर हो गया, इनर लेयर और आउटर लेयर का निर्माण किससे होता है? इंट्यूगमेंट से होता है। अभी मैं चित्र भी दिखाऊंगा आपको, अध्यावरण से होता है। और जो आंतरिक परत है उसे टैगमैन बोलते हैं, और बाहरी परत को टेस्टा बोला जाता है। और इंडोथिलियम, याद रखना, जो आंतरिक परत होती है ना, इसी के ये वाला भाग, जो पास वाला भाग होता है, इसी से संबंधित एक परत होती है जिसे एंडोथिलियम भी कहा जाता है। तो एंडोथिलियम का संबंध किससे होता है? तो इंट्यूगमेंट से होता है, अध्यावरण से होता है, एंडोथिलियम लेयर का। एंडोथिलियम, एंडो मतलब आंतरिक, ठीक है, थिलियम लेयर। तो ये भी आपको याद रखना है, एंडोथिलियम लेयर का संबंध भी किससे होता है? इंट्यूगमेंट से होता है, आंतरिक परत से ही ये जुड़ा होता है। मतलब ये बीज का ऊपर का कोड बनाता है, तो इनर बीज कोड, इनर सीड कोड और आउटर सीड कोड। इतना क्लियर, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। टैगमैन टेस्टा नहीं, इनको हिंदी में नहीं, टेस्टा और टैगमैन ही लिखा था मैंने, देखा था सब जगह, तो टैगमैन टेस्ट ही लिखा था। और हिंदी एक बार अपन सर्च कर लेते हैं, जिसको मिले वो बताओ, लिख लेना वहाँ पर
टैगमैन और टेस्टा, ठीक है, हर जगह यही शब्द यूज़ कर रहे थे। टेस्टा हिंदी में भी टेस्टा लिख के दे रहे थे वो, ठीक है। और अगर आपको कुछ ऐसा लगे तो कुछ गूगल महाराज पे जाके आप टेस्टा भी सर्च कर सकते हो, कुछ चीज़ों के मैंने देखे तो पेपर में ना पूछने लायक जैसे थे वो। चलिए, कुछ के जो लगेंगे मैं इंग्लिश में बता दूंगा आपको, वो याद भी करना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बीज आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा है आपका, तो मेन आपने ये देख लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि भैया ये पूंछ सी क्या लगी दिख रही है यहाँ पर, ये पूंछ, क्योंकि आप देखते हो यहाँ पर ये इससे जुड़ा होता है, ये क्या होता है, इससे जुड़ा होता है। यहाँ पर ये क्या है, ये प्लेसेंटा वाला भाग होता है, ये क्या है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा से ये पूरा बना होता है, हम देखेंगे भ्रूणपोष का निर्माण होगा अभी। और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इस पार्ट को जो डंडी सी डंडी नुमा संरचना होती है, इसको बोला जाता है फ्यूनिसिकल, फ्यूनिसिकल बोलते हैं, याद रखना, बीजांत व्रंत बोला जाता है, क्या बोल देते हैं बीजांड व्रंत, फ्यूनिसिकल, फ्यूनिसिकल आ जाएगा, FUNICLE, फ्यूनिकल बोल देते हैं, फ्यूनिकल, मेरा जी समझा देता हूँ आपको, आप समझना, हाँ, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, इस वाले डंडी नुमा संरचना को क्या बोला जाता है, तो आप बोलोगे सर इसको फ्यूनिकल बोलते हैं, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल को हिंदी में बोलते हैं बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत, याद रखना, बीजांड व्रंत बोला जाता है फ्यूनिसिकल को। ये डंडी नुमा संरचना होती है जो जो बीजांड को या फिर जो अंडाशय को या बीजांड को किससे, प्लेसेंटा से जोड़ के रखती है। ये पूछा जा सकता है बीजांड व्रंत के बारे में, तो आप बता देना कि सर पूरे के पूरे ओव्यूल को, पूरे बीजांड को, पूरे अंडाशय को, या फिर आप बोल सकते हो प्लेसेंटा को बीजांड से जोड़ने का काम करती है। क्लियर, फ्यूनिकल बोल दो इंग्लिश में, हाँ चल जाएगा। बीजांड को प्लेसेंटा से जोड़ती है, डंडी नुमा संरचना है। अब आप समझ गए, यहाँ पर मैं लिख के भी आपको दे दूंगा, ये डंडी नुमा संरचना है, ठीक है, ये क्या करती है, तो आप बोल दोगे सर ये प्लेसेंटा को किससे जोड़ती है, प्लेसेंटा को बीजांड से जोड़ती है, बीजांड से जोड़ती है। अब कैसा भी प्रश्न बन जाए आप बता पाओगे। अब आपसे ये पूछा जाता है कि भैया बीजांड में जो फ्यूनिसिकल होता है वो कहाँ जुड़ा होता है, चार बार पूछा गया है मिनिमम, तो याद रखना यहाँ पर ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर फ्यूनिसिकल क्या होता है, बीजांड से लगा होता है, उसको बोला जाता है हाइलम, क्या बोल दिया जाता है, हाइलम बोल दिया जाता है, HILUM, हाइलम, नाभिक भी बोलते हैं, ठीक है, बीजांड व्रंत से जुड़ा होता है, बीजांड व्रंत से जुड़ा होता है, ऐसा बोल देते हैं बीजांड का विभाग। चलिए, हाइलम को हिंदी में बोलते हैं नाभिक। चलिए, हाइलम, हाँ, HILUM है, LEM नहीं, HILUM, हाइलम, नाभिक होता है, ध्यान से सुनना, बीजांड का वह स्थान होता है जहाँ से बीजांड व्रंत जुड़ा होता है। तो देखो यहीं बीजांड व्रंत जुड़ा होता है, मैं लिख देता हूँ बीजांड व्रंत जुड़ा होता है, ये पूछा जाता है बीजांड व्रंत। अब आपने बीज में देखा है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, बीजांड व्रंत मतलब फ्यूनिसिकल जुड़ा होता है, यहीं जुड़ा होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन आया था आपके TGT में कि भैया बताइए फ्यूनिसिकल कहाँ, बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, तो अब आप बोल दोगे सर हाइलम, नाभिक कहा जाता है। आपने बीज देखा होगा, आज अपने घर पे देखना, बीज में छोटा सा निशान रहता है, चाहे आप चने का देखना, चने में भी छोटा सा निशान होगा, आप देख लेना, राजमा में तो अलग ही दिख जाएगा, ऐसा 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 आप देखना, कोई भी ऐसा ऐसा सीड रहेगा तो इसमें ऐसा ऐसा निशान टाइप का रहता है, कुछ निशान टाइप का, देखा है कि नहीं देखा, और यहाँ पर भी एक छोटा सा भाग रहता है, देखना ऐसे जोड़ने वाला भाग रहता है, आप देखना, आप सभी को दिख जाएगा बीज में, आप लोग देखोगे तो, ठीक है, तो ये वही भाग होता है बीजांड व्रंत जुड़ा होता है हाइलम वाले भाग से, ये भी पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, या सभी लोगों ने देखा हुआ है। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, चलिए आगे बढ़ने वाले हैं, इतना सभी को क्लियर हो गया। अब हम देखने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट, हाइलम देख लिया, फ्यूनिसिकल देख लिया, प्लेसेंटा वाला भाग हमने देख लिया। अब देखिए, अब आपसे पूछ लिया जाता है, कल हमने देखा था कि भाई पोलन ग्रेन, ये देखिए
हमने ये देखा था कि ये जो पोलन ट्यूब है, पराग नली है, ये जाकर इसमें जुड़ जाती है एक सेल में। अब कहीं ना कहीं से तो अंदर घुसती होगी वो, कहीं ना कहीं से तो एंटर करती होगी वो। तो याद रखना उस भाग को क्या बोला जाता है, एक खुला छिद्र होता है यहाँ पर, जिसे बीजांड द्वार बोला जाता है। ये वाला खुला छिद्र माइक्रो पाइलर कहलाता है, माइक्रो पाइलर। ये खुला छिद्र आपका क्या कहलाता है, माइक्रो पाइलर, माइक्रो पाइलर, ठीक है। माइक्रो पाइलर हिंदी में हिंदी में क्या बोलेंगे, बीजांड द्वार बोल देंगे, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, याद रखना बीजांड द्वार। एक खुला छिद्र होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, खुला छिद्र होता है, छिद्र। यहाँ पर मैंने अभी बीज बना के बताया था ना, ये वाला माइक्रो पाइलर, ये खुला छिद्र नुमा बाद में बंद हो जाता है, छिद्र होता है। यहीं से क्या होता है, यहीं से खुला छिद्र माइक्रो पाइलर से ही सामान्यतः या हमेशा क्या होता है, पराग नली बीजांड में एंटर करती है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, पराग नली पोलन ट्यूब, पराग नली बीजांड में कहाँ से एंटर करती है, तो पराग नली यहीं से प्रवेश करती है, यहीं से प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। क्लियर हुआ इतना, माइक्रो पाइलर, हाँ माइक्रो पाइल बोल देते हैं, माइक्रो पाइलर बोल दिया जाता है, याद रखना। तो आप लोग बता दोगे पराग नली हमेशा माइक्रो पाइलर से ही प्रवेश करती है। अब आपको इतना क्लियर हो गया, अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया। चलिए किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। कोई भी अगर अभी तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब मैं अंदर मेन मटेरियल पर जाने वाला हूँ, बीज का निर्माण कैसे होगा। ये तो हमने देखा बीज का आवरण होता है, इसको इस वाले भाग को भी बोला जाता है, याद रखना। इस वाले भाग को क्या बोला जाता है, इस वाले भाग को क्या बोला जाता है, जल्दी बताइए। पोरोगेमी अभी आएगा, हाँ चैलेजल, चैलेजल बता दिया, चैलेजोगेमी, ये मैं बताऊंगा आपको अभी। मीसोगेमी क्या होता है, चैलेजोगेमी क्या होता है, ये जो पोलन ट्यूब है, अभी मैं सामान्य कंडीशन बता रहा हूँ कि पोलन ट्यूब हमेशा यहाँ माइक्रो पाइलर से जाती है, कभी वो चैलेजल वाले भाग से भी चली जाती। चैलेजल मतलब निभागीय भाग, चैलेजा बोलते हैं, हाँ चैलेजोगेमी, चैलेजा पोल बोलते हैं, CHALAZ, चैलेजा पोल, ठीक है। तो निभागीय, निभागीय ध्रुव भी बोलते थे, निभागी हिंदी में क्या बोलेंगे, चेलेजा, CHALAZAL, चेलेजल पोल, CHALAZAL, चेलेजल पोल भी बोल देते हैं। और हिंदी नाम इसका क्या आ जाएगा, हिंदी नाम निभागी आ जाएगा, हिंदी नाम इधर अभी चेलेजल पोल, हिंदी नाम निभागी आएगा, याद रखना। कहीं मैंने एक आध किताब में निभागी देखा था, तो निभागी नाम आएगा इसका, हाँ निभाग, निभाग बोलते हैं, निभाग, निभाग याद रखना, निभाग हिंदी में क्या बोलते हैं, निभाग, सुहाग नहीं, निभाग, निभाग याद रखना, निभाग, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया, ऊपरी भाग हो जाएगा बीजांडकाय का आधार, जहां से आवरण निकलते हैं, ये आवरण है पूरा का पूरा, ये आवरण। तो आप समझ जाना ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, इसका चैलेजल पोल कहलाता है। अभी ये चैलेजल पोल का मेन काम कब आएगा, जब पोलन ट्यूब डायरेक्ट चेले जो आपका चेलन चैलेजल पोल से अंदर घुस जाएगी, तब हम देखेंगे कि उसको किस नाम से जाना जाता है। अभी आपको याद रखना है कि वो कहाँ से जा रहा है, माइक्रो पाइलर वाले भाग से क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। अभी मैं ये भी बताऊंगा आगे आपको, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जब पोलन ट्यूब अलग अलग जगह से एंटर करती है अंदर। अभी मैं बीज का फॉर्मेशन बता रहा हूँ, फिर आपको पूरा बताऊँगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पैरोगेमी, मेसोगेमी, चैलेजोगेमी क्या होती है, सब कुछ सुन लिया शब्द मैंने, क्या बोला, पैरोगेमी, मेसोगेमी, चैलेजोगेमी, ठीक है। आप सुनना इतना क्लियर, अब मैं अब आगे आने वाला हूँ, जो न्यूसिलस रहता है, बीजांड काय रहता है, अब ये कन्वर्ट होगा धीरे धीरे किसमें, बीज में। अब बीज में कन्वर्ट होने से पहले सर यहाँ पर पोलन ट्यूब आया है, वो कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर अब निर्मित होगा, यहाँ पर किसका निर्माण होगा, तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पर निर्माण होगा, इतने भाग को हम क्या कर देते हैं, मिटाएंगे। आप देखना यहाँ पर आप देखोगे तो भ्रूण कोष का निर्माण हो जाएगा, किसका निर्माण हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोष का निर्माण हो जाएगा,
इस तरह से आप देखोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, भ्रूण कोश का निर्माण हो जाएगा। ये अब क्या होता है, ये भ्रूण कोश कैसे निर्मित होता है, हम इस पर बात करने वाले हैं बहुत अच्छे से। अभी मैंने ऐसे ही रफली डायग्राम बना दिया, ये भ्रूण कोश का कैसे बनने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। भ्रूण कोश बहुत इम्पोर्टेंट है, भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक, क्लियर? हाँ, एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश। अब नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलने वाला हूँ मैं आपको, तैयार हैं सभी लोग? चलिए अब हम देखने वाले हैं भ्रूण कोश का बीज का, हम फॉर्मेशन ऑफ बीज पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीड, बीज का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सीड पढ़ रहे हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले सीड का निर्माण किससे होता है ये पता है कि बीजांड से होता है, ओव्यूल से होता है। और बीजांड किससे, कौन सी कोशिकाओं से या किससे बना होता है, तो न्यूसिलस से बना होता है। बीजांड काय से बना होता है, तो यहाँ पर आप देखना, ये हमने देखा कि हमारे पास में क्या है, बीजांड है। अब मैं वो नहीं बताऊंगा इसके बीज बीज का ऊपरी भाग। आप देखो इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं थीं और ये कैसी थी, डिप्लॉयड थी। कैसी थी, डिप्लॉयड कोशिकाएं थी। अभी मैं जल्दी जल्दी ऐसी बना देता हूँ, ठीक है, आप घबराना मत चित्र देख के। चलिए इसमें ये बहुत सारी क्या है, कोशिकाएं। अब आप बोलोगे ये हर कोशिका कैसी होती है, तो हर एक कोशिका अपने आप में कैसी होती है, द्विगुणित होती है। द्विगुणित है, द्विगुणित बोले तो 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। और हर एक कोशिका अपने आप में मां बनने की क्षमता रखती है। और इसको किस नाम से जानते हैं, तो आपने देखा कि इसको हम जानते हैं न्यूसिलस के नाम से। एक बार और लिख देता हूँ, न्यूसिलस बोले तो बीजांड काय, बीजांड काय। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या हर एक कोशिका मां बनना चाहेगी? आप बताओ क्या हर एक कोशिका मां बनना चाहेगी, बताओ हर एक कोशिका मां बनना चाहेगी क्या, जल्दी बताओ। सभी 2n है, सभी 2n है, याद रखना। मान लो बहुत सारी लड़कियां हैं, ये एक जैसी हैं मान लो, अब इनमें से शादी करेंगे वो क्या बन जाएगी, मां बन जाएगी, ध्यान देना। तो अब एक बोले यस, नहीं, अरे सब नहीं बनना चाहेंगी, एक को लगेगा कि मुझे मां बनना है, मुझे मां बनना है। तो अब इसमें से एक कोशिका निकल के आएगी जिसे बोला जाता है मदर सेल। एक कोशिका निकल के आएगी, सबको मां नहीं बनना है, ध्यान देना, एक को मां बनना है। तो हम एक को बाहर निकाल देते हैं कि भैया ठीक है तुम बन जाओ। तो ये देखो यहां से एक कोशिका आएगी, एक कोशिका, ये देखिए एक कोशिका। आप बताओ ये एक कोशिका कैसी है, ये 2n है, द्विगुणित कोशिका है, 2n है, एक कोशिका है। और इस कोशिका को किसना क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है मदर सेल। ये एग सेल है, क्या है ये एग सेल है, EGGCL, अंड कोशिका है, और इसी को नाम दे दिया जाता है मदर सेल। आप ध्यान देना, और ये मदर है, मम्मी बनने वाली है अब ये। तो ये लड़की वाला जो पार्ट रहता है, फीमेल वाला पार्ट है, उसको मेगा बोला था हमने, मेगा, और पुरुष वाले पार्ट को माइक्रो बोला था, याद करो पुराना लेक्चर। तो ये माँ बनेगी तो इसको मेगा स्पोरेंजियम मदर सेल बोल देंगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ओह माय गॉड, कितना प्यारा शब्द निकल के आया है। तो याद रखना मेगा स्पोरेंजियम मदर सेल, याद रखो आप लोग, रख पाओगे और रखोगे ही, मुझे पूरा विश्वास है। आपने 499 रुपए खर्च करके कोर्स लिया है, ठीक है। हाँ, माइक्रो पुरुष वाले में जाएगा, ये मेगा है, मेगा स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम मदर सेल, मदर सेल। तो हिंदी में क्या बोलेंगे सर, बीजाणु मात्र, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसीलिए न्यूसिलस को कभी कभी क्या बोल दिया जाता है, मेगा स्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हैं न्यूसिलस को। न्यूसिलस को हम मेगा स्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हैं कभी कभी, ठीक है। हाँ, बहुत नहीं सकते क्योंकि बाकी को ओव्यूल। हाँ, बहुत बढ़िया राम भास्कर जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मेगा फीमेल, बहुत बढ़िया। चलिए अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हो गई, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मदर सेल हो गई भैया, ये इतना क्लियर, ओनली मदर सेल को छोड़कर। हाँ बिल्कुल, बाकी अभी सब अंदर ही पड़ी हुई हैं, अभी इनको छोड़ो। अब ये 2n है, 2n, तो अब इसको लगेगा कि भैया मुझे सेल डिवीजन करना है। अब इसके अंदर कौन सा सेल डिवीजन होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ये सिंगल सेल है।
वन एक्सएल है ये सिंगल, सिंगल एक्सएल है ये सिंगल, एस आई एन जी एल ई सिंगल, सिंगल एक्सएल है। अब इसके अंदर कौन सा सेल डिवीजन होगा? तो अब आप बोलोगे सर इसके अंदर होगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस मैंने बहुत अच्छे से कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ाया और आपके सिलेबस में भी कोशिका वाला पार्ट है। मियोसिस बोले तो अर्धसूत्री, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। और बताओ जल्दी से, अब जितने भी धुरंधर स्टूडेंट देख रहे हैं सारे के सारे, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? गलत बताया ना, फिर देख लेना, बहुत ईमानदारी से पढ़ाया था मैंने आपको सेल वाला चैप्टर। और पहले ही बता रहा हूँ, जितने लोग परचेज करना चाहते हैं अभी भी मौका है आपके पास में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है अभी 20 दिन बाद। और अगर आप आज से भी पढ़ना चालू कर देते हैं दोस्त, तो आपके पास सफिशियंट टाइम है, हर किसी को इतना ही समय मिलता है अगर ईमानदारी से पढ़ते हैं। सारा सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए चार चार चार, क्योंकि सर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन टू पार्ट में डिवाइड होता है, मियोसिस वन मियोसिस टू आपने पढ़ाया था, एक में दो, दो में दो, टोटल चार कोशिकाएं बनती हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे बन जाएंगी चार कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? तो आप बोलोगे सर चलिए इससे बन जाएंगी चार कोशिकाएं। फर्स्ट एक कोशिका यहाँ पर बन गई भैया, दूसरी कोशिका यहाँ पर बन गई, तीसरी कोशिका यहाँ पर बन गई, चौथी कोशिका। तो इससे चार सेल बन जाएंगी, फोर सेल बनेंगी। लेकिन ये सारी की सारी कैसी होंगी? आगुणित होंगी। ये कैसी होंगी? आगुणित बनेंगी। आगुणित, ध्यान देना, आधे आधे गुणसूत्र बढ़ जाते हैं मम्मी पापा के, याद रखना। तो ये आगुणित सेल बन रही है, ये डिप्लॉयड नहीं है, याद रखना। ये हैप्लॉयड सेल बनती हैं चारों की चारों, याद रखना। अब ये चार में से क्या हो जाता है, यहाँ पर तीन नष्ट हो जाती हैं। तीन क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। तीन नष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तीन नष्ट हो जाती हैं। इतना क्लियर हो गया? यहाँ से प्रश्न निकल के आते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के मैं बताऊँगा आपको, यहाँ से 250 प्रश्न निकल के आए, और बहुत बेहतरीन जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। सारे लेवल कंप्लीट हो जाएंगे आपके, 11 12th बीएससी लेवल तक का कवर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, हैप्लॉयड सेल बनेगी, राम भास्कर जी ने बनाया एन। अब सिंगल सेल है यहाँ पर एक और, यहाँ मेगा स्पोरेंजियम मदर सेल से बनी हमारी ये वाली एक कोशिका, जिसे हमने बोल दिया सिंगल सेल, आगुणित कोशिका। अब ये जो आगुणित कोशिका है, इसके अंदर सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन की कौन सी? कैरियोकाइनेसिस अवस्था फॉलो करेगा। अब आप बोलोगे कैरियोकाइनेसिस, तो मैंने सेल वाला चैप्टर पढ़ लेना अच्छे से, मैं बताऊंगा अभी। तो याद रखना, इसमें कौन सा होगा? तो इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। कौन सा होगा? समसूत्री होगा। कौन सा हो जाएगा? मियोसिस की जगह माइटोसिस हो जाएगा। माइटोसिस, समसूत्री में क्या होता है? उसी के जैसी कोशिकाएं बनती हैं, उसी के जैसी कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो याद रखना, ये समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप इसमें कौन सी अवस्था ग्रो करेगी? तो इसमें ग्रो करेगी कैरियोकाइनेसिस अवस्था। कौन सी अवस्था ग्रो करेगी? इसमें कैरियोकाइनेसिस अवस्था ग्रो करेगी। समझते चलना, बहुत बढ़िया बता रहा हूँ मैं आपको। कैरियो, जो वास्तव में पेपर देने वाले हैं, पास होने वाले हैं, हिंदी मीडियम से और नहीं कोई पढ़ा रहा है, उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें चल रही हैं। आप लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमसे। कैरियोकाइनेसिस, बताओ जल्दी से, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस मैंने सेल में आपको पढ़ाया है। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। यहाँ पर केंद्रक लगातार विभाजित होगा और यहाँ से क्या होगा? एक बार, दो बार, तीन बार, ये क्या हो जाएगी? पहले एक कोशिका है ये, एक से कितनी बनेंगी? दो बन जाएंगी। दो से फिर आगे चल के कितनी बन जाएंगी? तो दो से कितनी बन जाए, कोशिका बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोशिका के अंदर कैरियोकाइनेसिस चल रहा है, कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस चल रही है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक कोशिका के अंदर ही अलग अलग, मतलब अलग अलग प्रकार के आठ कोशिकाएँ बन जाएंगी। ये दो बार होगी, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, तीन बार हो जाएगी ये कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस डिवीजन होता रहता है, मतलब इसमें कितने? आठ केंद्रक हो गए। वन सिंगल सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर कितने हो गए? आठ केंद्रक हो जाते हैं। आठ केंद्रक एक थैली नुमा संरचना में, एक किस में आ जाते हैं? आठ केंद्रक एक थैली नुमा संरचना में आ जाते हैं, थैली
नुमा संरचना में आ जाती हैं, नुमा संरचना में आ जाती हैं। आठ न्यूक्लियस एक थैली नुमा संरचना में आ जाते हैं, ध्यान से सुनना। और इस थैली नुमा संरचना को ही हम आगे चल के नाम दे देते हैं एम्ब्रियो सैक। इसे भ्रूण थैली के नाम से भी जाना जाता है, भ्रूण कोष बोल दिया जाता है इसे, एम्ब्रियो मेम्ब्रेन या फिर झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो ये आगे चल के क्या हो जाता है इस प्रकार से, समझना, मैं आगे आपको इसको पूरा बताऊंगा, अभी सुनते चलना, उम्मीद है आपको क्लियर होता चल रहा होगा, ध्यान से सुनना। इस प्रकार से अभी ये क्या होता है, एक कोष बना लेता है, कोष कोष घर बना लेता है इसका, इसे बोला जाता है भ्रूण कोष। क्या बोला जाता है, भ्रूण कोष बोल दिया जाता है, एम्ब्रियो सैक बोल दिया जाता है। और एम्ब्रियो सैक के अंदर जो आठ कोशिकाएं होती हैं ये व्यवस्थित तरीके से जम जाती हैं। व्यवस्थित तरीके से जब ये जम जाती हैं तो इनके ऊपर सेल की एक परत चढ़ जाती है, सेल मेम्ब्रेन बन जाता है। इस प्रकार से देखिए ये कोशिकाएं बन जाएंगी, एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका। ये तीन कोशिका तो चैलेजल वाले भाग के पास में चली जाएंगी, याद रखना। बीच में यार दो कोशिकाएं बीच में आ जाएंगी, दो केंद्रक आ जाएंगे, केंद्रक, दो केंद्रक आ जाएंगे। और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लंबी लंबी सी ये इस प्रकार की कोशिकाएं, ये लो यहाँ मैं अलग उस पर बना के बता दूंगा आपको, टेंशन बिल्कुल मत लेना। लंबी लंबी एक बड़ी सी कोशिका बनेगी। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये कोशिका, एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक हैं, बाकी सभी के अंदर एक 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 केंद्रक हो रहे हैं। तो टोटल कोशिकाएं कितनी हो रही हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात, तो सेवन सेल होंगी, सेवन सेल, सात कोशिकाएं होंगी। लेकिन केंद्रक कितने हैं, केंद्रक न्यूक्लियस कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एट न्यूक्लियस, सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियस हो जाएंगे, एंड एट न्यूक्लियस। तो नॉर्मल जो अभी यहां पर आप देख रहे हो जो कोशिकाएं बन रही हैं, याद रखना है, इसको बोला जाता है पॉलीगोनम। आगे हम पढ़ेंगे, यहां पर याद रखना मोनोस्पोरिक भ्रूण सेल होता है, ये मोनोस्पोरिक भ्रूण सेल हम आगे अभी पढ़ेंगे, आप इतना याद रखो पहले। तो क्या इतना क्लियर हुआ, ये भ्रूण कोष बन गया। भ्रूण कोष में हमने देखा टोटल कितनी है, सात सेल हैं और आठ न्यूक्लियस हैं। इतना समझ में आया, फिर मैं इसको अगले पेज पे ले जा रहा हूँ, मैं अगले पेज पे ले जा रहा हूँ, यस और नो जल्दी बताओ, क्या स्टोरी चल रही है, सभी क्लियर हो रहा है ना, बिल्कुल मैं आराम से बता रहा हूँ। यस, सभी को क्लियर हो रहा है, शांति चल रहा है अपना पूरा मामला, कि न्यूक्लियस में से एक कोशिका मम्मी बनना चाहती थी तो उसे उठाया भैया बन जा, 2N है, इसको नाम दे दिया गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मदर सेल नाम दे दिया। मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, एक से चार बनी, चार कैसी बनी, आगुणित बनी, आगुणित के अंदर समसूत्री हुआ तो उसके जैसी दो और बनी, फिर दो और बनी, फिर दो, मतलब दो से चार, चार से आठ बन गई। अब ये आठ केंद्रक बने, कैरियोकाइनेसिस हुआ, इसीलिए याद रखना। अब ये आठ केंद्रकों के अंदर धीरे धीरे आवरण आने लगा, जिसके कारण ये भ्रूणकोष तैयार हो गया। अब हम अगली स्टेज पर चलने वाले हैं, हमें बीज का फॉर्मेशन देखना है, बीज का निर्माण देखना है, जहाँ से प्रश्न निकल रहे हैं हमारे, हमें आगे बढ़ने वाला हूँ। एप्लीकेशन पर आपको इसकी PDF से लेके हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपके पेड वाले ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि भैया बीज का निर्माण की हमारी बात चल रही है, फॉर्मेशन ऑफ सीड, बीज का निर्माण की बात चल रही है। लाइट कभी भी धोखा ना दे दे, इसलिए मैं इसको एक बार आपको सेव कर देते हैं अभी तक वाला। चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब आप समझ चुके हैं इतना वाला पार्ट कि यहां पर सर ये देखिए आप, इस प्रकार से आपने क्या कर दिया, एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर दिया। इसको बोला जाता है बीजांड, ओ भ्रूणपोष, भ्रूण पोष बोल दिया जाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक बोल दिया जाता है, भ्रूण कोष बोल दिया जाता है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में विटामिन सी वर्किंग करता है, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया राम भास्कर जी, चलिए
आप ध्यान से सुनना, यहां पर अब आप देखोगे तो यहां पर तीन कोशिकाएं आपने देखी, ये कौन से वाले पार्ट पर है, तो ये चैलेजल वाले पार्ट पर है, ऊपर वाले पार्ट पर तीन कोशिकाएं हैं, बीच में कितनी है, दो कोशिकाएं, बीच में कितनी है, दो कोशिकाएं, न्यूक्लियर वाले भाग पर, पोलर वाले भाग पर। यहां आप देखोगे तो आपको ऐसी लंबी लंबी सी दो कोशिकाएं दिखेंगी और इसके ऊपर आपको दिखेगी एक बड़ी सी कोशिका, ये देखिए। अब ये जो आप कोशिकाएं देख रहे हैं, याद रखना ये जो बीच वाली है ये बड़ी सी, ये बड़े से पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मैं यहीं ऐसे बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए, वैसे तो ये पूरा पार्ट कवर करके ऐसी 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 एक बन जाती है। तो अब इनके नाम होते हैं, नाम भी याद रखना, जो ऊपर वाली जो आपको कोशिकाएं दिख रही हैं इनको एंटीपोडल सेल के नाम से जाना जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि भैया जो चैलेजल वाला पार्ट होता है, निगमन वाला, निभागीय वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, वहाँ जो तीन कोशिकाएँ होती हैं उनका नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर इनका नाम में एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल कितनी होती हैं, तीन होती हैं, तीन होती हैं, थ्री सेल होती हैं एंटीपोडल। और एंटीपोडल को हिंदी में बोलते हैं प्रतिव्यांत, मैं एक बार हिंदी नाम एक बार आपको बता देता हूं, हिंदी नाम आ जाएगा आपका प्रतिमुखी या प्रतिव्यसांत, 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 प्रतिव्यसांत या प्रतिमुखी कोशिकाएं। एक और नाम आता है प्रतिमुखी, प्रतिमुखी, ठीक है, प्रतिमुखी कोशिकाएं बोला जाता है या प्रतिव्यसांत कोशिकाएं के नाम से इन्हें जानते हैं। एक बार नाम ले लो इनका जल्दी से, प्रतिव्यसांत कोशिकाएं, ठीक है। और बीच में क्या होता है, ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ये ध्रुवीय केंद्रक बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, तो यहां पर ये ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई बोल देते हैं, ध्रुवीय ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ध्रुवीय केंद्रक। और ये कैसा होता है, ये ध्रुवीय जो केंद्रक होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है, ये दो केंद्रकों से मिलकर बनने वाली ये कोशिका है, सही से ये अलग अलग नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, इसे दोहरा केंद्रक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, इसे द्वितीयक केंद्रक भी बोल दिया जाता है, ध्रुवीय केंद्रक को द्वितीयक केंद्रक, दो केंद्रक है, द्वितीयक केंद्रक, ठीक है, द्वितीयक केंद्रक के नाम से भी जाना जाता है इसको। अब आप समझ गए, अब नीचे जो आपको दिखाई दे रही है जो मेन 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 कोशिका है यहां पर, ये वाली, इस वाली कोशिका को क्या बोल दिया जाता है, इस वाली कोशिका को बोलते हैं एग सेल, एग सेल, अंड कोशिका होती है, याद रखना। और ये दो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये दो कोशिकाएं भाई साहब इसकी सहेली हैं, ये मान लो ये अभी कौन सी ट्रेंड में एक्ट्रेस चल रही है, कोई भी नाम ले लो, मान लो ये कौन सी है, मुझे आजकल साउथ की वो अच्छी लग रही है, मृणाल, मृणाल का नाम सुना है लेकिन आप नहीं जानते होगे, मान लो ये काजल अग्रवाल है, तो उसकी दो सहेलियां साथ में रहेंगी, तो इन्हें सिनर्जिड, सहायक कोशिका के नाम से जाना जाता है, सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड की स्पेलिंग क्या होगी, सिनर्जिड याद रखना, एस वाई एन ई आर, एस वाई एन ई आर, सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल, याद रखना। तो ये कितनी होती हैं, दो होती हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिका हो जाएगी। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले तो इनकी संख्या याद रखो, ये कितनी होती हैं, टू सेल होती हैं, दो कोशिकाएं होती हैं, एक सेल कितनी होती है, एक होती है, याद रखना, क्लियर हो रहा है, एक सेल डाउन पार्ट। अब बीच में पूरा रहेगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसको अपन ने उठा के बता दिया यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको ये दो चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ इसमें से हल्की हल्की सी इस प्रकार से क्या निकली रहती हैं, छोटे छोटे से क्या होते हैं, ये देखो, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है दोनों की दोनों कोशिकाएं, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, ये फिलामेंट जैसी संरचना होती हैं, फिलीफॉर्म अपरेंटस बोलते हैं, तंतु रूपी उपकरण लगे रहते हैं, इनमें क्या होते हैं, फिलामेंट अपरेंटस, तंतु रूपी उपकरण होते हैं, ये तंतु रूपी उपकरण, तंतु रूपी उपकरण लगे होते हैं, उपकरण याद रखना, उपकरण लगे होते हैं, फिलीफॉर्म अपरेंटस बोलते हैं, फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म बोल देते हैं, अपरेंटस, अपरेंटस आप देख लेना, अपरेंटस आप हिंदी में याद रख सकते हैं, तंतु रूपी उपकरण, फिलीफेंट
अप्रेंटस होते हैं और जो सहायक कोशिकाएं होती हैं फिलीफेंट अप्रेंटस बार बार घूमते रहते हैं, डांस करते हैं और बुलाते किसको हैं, तो यहाँ पर बुलाया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है पराग नलिका को, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, तो सहायक कोशिकाएं सिनर्जिट सेल करती हैं, सहेलियां करती हैं। और जब वो पोलन ट्यूब बजाता है तो सहेलियों में ढक्का देता है, तो हटो सीधे काजल अग्रवाल चाहिए, मतलब यहां पर एक्सेल चाहिए, दीपिका पादुकोण ले लो, जो चाहिए आपको वो वाली एक्ट्रेस का नाम ले लो, ठीक है। सुना है सर बोले अच्छी लग रही है आजकल, हाँ अरे आजकल मुझे नहीं लग रही, ध्यान देना, मतलब वो अच्छी है। मृणाल आपने देखा होगा, बहुत अच्छी मूवी आई थी, सीतारामम मूवी में भी थी, बहुत सारी मूवियों में। तो याद रखना आप, तो सिनर्जिट सेल और दो होती हैं और ये जो एक सेल है वो सिंगल होती है, और एक सेल ही वास्तव में यहाँ पर क्या होगा, एक सेल से क्या बन जाएगा आपका, तो आप बोलोगे एक सेल से यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा। और इससे अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, फिर हम बात करते हैं, पहले इतना देख लेते हैं हम, यहाँ आपको क्लियर हो गया। ये तंतु रूपी फ्यूजी फॉर्म क्या करती हैं, तो ये सहायक कोशिकाएं किसको आकर्षित करती हैं, तो सहायक कोशिकाएं पराग नली को आकर्षित करती हैं, पराग नली को आकर्षित करती हैं, को आकर्षित करती हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि अंदर एंट्री करने में मदद करती हैं, ठीक है, आकर्षित करती हैं, यहीं से नीचे एंट्री होगी क्योंकि इसके ऊपर क्या है, कवच है पूरा का पूरा, यहीं से वो एंट्री करेगी। और कल हमने पढ़ा था कि एक सेल से क्या बन जाएगा, एक सेल से जब फ्यूज करेगा हमारा ऊपर से आया हुआ पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, जर्म सेल है, उसी को बोला जाता है, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है फिलीफॉर्म, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। एक सेल से क्या बन जाता है, कल हमने देखा था जाइगोट बन जाता है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बन जाता है, लाइट आएगी, युग्मनज बन जाता है, याद रखना। और हमने देखा था कि भाई जो आपका ध्रुवीय केंद्रक रहता है, ध्रुवीय केंद्रक रहता है, सेंटर वाला पार्ट होता है ध्रुवीय केंद्रक, ये इससे भी क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाती हैं, मतलब यहाँ भी क्या हो जाता है, फ्यूजन होता है, हम ट्रिपल संलयन हो जाता है यहाँ पर, और इससे क्या होता है, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म बनता है, भ्रूणपोष एंडो स्पर्म बनता है, एंडो स्पर्म बनता है, भ्रूणपोष बनता है, भ्रूणपोष। और हमने कल देखा था कि ये जो भ्रूणपोष होता है ना, ये भ्रूणपोष, अब जो जाइगोट है, जाइगोट से बीज बनेगा, जाइगोट से बच्चा बनेगा, तो उसको खाना चाहिए, तो याद रखना एंडोस्पर्म जो अविकसित जाइगोट है या विकासशील जाइगोट है उसे क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, तो एंडोस्पर्म क्या करता है, जाइगोट को पोषण प्रदान करता है, आप बोलोगे जाइगोट को क्या करता है, जाइगोट को पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, प्रदान करता है, जाइगोट को पोषण प्रदान करेगा तो क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा इसके अंदर, तो इसके अंदर लगातार सेल डिवीजन होगा, तब तो ये बहुत करेगा, सेल के साथ साथ इसमें न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस बहुत तेजी से चलती है, मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, मुक्त केंद्रक पाए जाते हैं, याद रखना, मतलब फ्रीली न्यूक्लियाई, मैंने कल ही बताया था, मुक्त केंद्रक पाए जाते हैं, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, याद रखना, भ्रूणपोष के अंदर एक तो आपके क्या पाए जाएंगे, मुक्त केंद्रक पाए जाते हैं, इसके अंदर क्या होता है, मुक्त केंद्रक पाए जाएंगे, मुक्त केंद्रक पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, तो ये केंद्रकीय भ्रूणपोष भी बोला जाता है, इसे केंद्रकीय भ्रूणपोष भी बोला जाता है क्योंकि केंद्रक होते हैं, और साथ ही साथ ये केंद्रक आगे चल के सेल बॉल बना लेते हैं, कोशिका भित्ति में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब भ्रूणकोष कोशकीय भ्रूणकोष भी होता है, तो याद रखना मुक्त केंद्रक पाए जाते हैं और ये कोश आगे चल के कोशिका में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कोशकीय, ये दो रूपों में होता है, एक केंद्रकीय में भी होता है और कोशकीय में भी होता है। और इतना क्लियर हो रहा है ना सभी लोगों को, बिल्कुल सरल सा है। और जो एंडोस्पर्म होता है इसी को क्या बोला जाता है, प्राइमरी एंडो न्यूक्लियस बोला जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोला जाता है, पेन बोला जाता है। प्राइमरी क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पोषण प्रदान कर रहा है जाइगोट को। तो सर आपने ये बताया मुक्त केंद्रक पाए जाते हैं, मतलब ये केंद्रक भ्रूणपोष भी होता है, कोशकीय भ्रूणपोष भी होता है, एक आध एग्जाम्पल दो। तो मैंने कल आपको बताया था नारियल पानी का खाने वाला भाग कौन सा होता है, भ्रूणपोष होता है,
और नारियल पानी के अंदर दोनों प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष। ये आपके पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये कोई नहीं बताएगा, ध्यान देना आप लोगों को। इसलिए आप लोगों को ईमानदारी से सिलेबस अच्छे से कवर करके जाना है। ये देखिए, आप लोगों ने इस प्रकार से नारियल देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा नारियल, तो शंकर जी पे, भगवानों पे, अलग अलग भगवान पे आपने चढ़ाया होगा नारियल, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि नारियल के अंदर एक वाइट कलर की एक लेयर भी रहती है, जिसे आप मज़े से मलाई मार के या मलाई समझ के खा जाते हो, ठीक है। और थोड़ा और मलाई दे दो ना सर, ठीक है लो भैया, और मलाई कर दी अपन ने इसमें। अब इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर मलाई से पहले पानी, 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 हमें तो पानी भी पीना है। तो ये जो पानी है, पानी ये आप देखोगे इसके अंदर पानी भी भरा रहता है। तो जो पानी रहता है ना, वो पानी किसका बना होता है, तो पानी मुक्त केंद्रक है, उसके अंदर केंद्रक लगातार डिवाइड हो रहा है, इससे वो पानी बन रहा है। जो केंद्रक है, एक समय बाद उसके ऊपर सेल वॉल बन जाती है, वो कोशिका की एक दीवार बना लेते हैं। और जो सफ़ेद वाला भाग होता है खाने वाला, जिसे हम गिरी बोलते हैं, गिरी, गरी भी बोल देते हैं, वो कोशिकीय भाग होता है सफ़ेद वाला, जिसे हम गिरी के नाम से जानते हैं, गिरी, ठीक है। याद रखना, मुक्त केंद्रक क्या होता है, पानी होता है, पानी। तो नारियल में आप बोलोगे पानी, यही भाग खाने वाला हो जाएगा आपका, और इसका जो बीज बनता है वो भी हम खा लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। अब आपको इतना क्लियर हो गया, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, इतना क्लियर हो गया, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, जल्दी बताइए। अब हमने इतना देख लिया कि भैया जाइगोट बन चुका है, एंडोस्पर्म बन चुका है, भ्रूणपोष बन चुका है, अब इससे बीज का निर्माण कैसे होगा। चलिए, अब यस यस यस, सबको क्लियर हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो एक बार इसको मैं एक बार सेव कर देता हूं, कैंसिल, एक बार रुको, यहां पर हमारा क्या है, क्या चल रहा है, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, इसके बाद में जो जाइगोट बना हुआ है और हमारा क्या बना हुआ है, जो एंडोस्पर्म वाला भाग बना हुआ है, भ्रूणपोष वाला भाग बना हुआ है, इससे ही आगे चल के किस प्रकार से बीज बनेंगे, जिन्हें हम बीज पंत्र बोला जाता है, आपने देखा होगा, कॉटिलेडन्स के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे अलग अलग मोनोकॉड अलग बनते हैं, डाईकॉड अलग बनते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आगे इससे इम्पोर्टेंट सारी की सारी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि आज टाइम हो गया। और एक बार आप इसको पढ़ भी लेना, एक साथ पूरी चीज़ें आप एक बार आज रिवाइज कर लेना, जो मैंने बताई इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि कल का लेक्चर जो रहेगा वहाँ से ही आपका सारा का सारा पेपर में चीज़ें पूछी जाएंगी। बीजांड कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखेंगे, पोलन जो ट्यूब रहती है वो कहाँ कहाँ से एंटर करती है, उसके आधार पर भी आप देखोगे कि इसको हमने अलग अलग भागों में बांटा है, पैरोगेमी, मेसोगेमी, चेलेजोगेमी। और आप देखोगे कि जो भ्रूणकोष रहता है, एम्ब्रियो सैक रहता है, भ्रूणकोष, ये देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पर, ये तो बीज फॉर्मेशन में आपको पूरा का पूरा बकायदा बताऊंगा, ये सब मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, आपको कुछ भी परेशान नहीं होना है, पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी। रेफे क्या होता है ये भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। बीजांड का है न्यूक्लियस, एक छिद्र, ये सब आपने देखा है। इसके बाद में ये सब मैं आपको बताऊंगा, मोनोकोट, डाइकोट क्या होता है, पैरोगेमी क्या होता है, ये हम देखेंगे कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ प्रवेश कर रही है, तो एक एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कराई जाएगी, तो आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होना है, ध्यान देना है। तो ये हमारा कौन सा था, ये हमारा पार्ट 3 था, क्लियर। सीड में जाइगोट ही डेवलप होता है, हाँ, सीड में जाइगोट डेवलप होगा, किस प्रकार होगा, कैसे होगा, कौन सी चीज़ में, मक्के में क्या खाते हैं हम, आपसे पूछा जाएगा कि मटर में कौन सी चीज़ खाई जाती है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कल वाले लेक्चर को मैं पढ़ाऊंगा, उसमें से पूछे जाएंगे और जाते हैं, मैं वो भी आपको आगे कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों, आपको एक बार और बता देता हूं, अगर आप वास्तव में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा अभी कोर्स चल रहा है, 20 दिन आपके पास हैं, किसके लिए, 3.0, एक साल तक वैलिडिटी, आप 4.0 भी कवर उसमें कर सकते हैं। तो आप 20 दिन में सारा सिलेबस आपको दिया है, आप आराम से पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं,
मैं आपको रणनीति बताऊंगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है। आज एक वीडियो बनाऊंगा, शाम को अपलोड करेंगे उसको, तो आप उसको जरूर देखिएगा। चलिए, तो उम्मीद है अच्छा लगा हो, तो सभी लोग बढ़िया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कल इसको पढ़कर आएँ, तब मज़ा आएगा। और अपने अपने एक एक दोस्त को शेयर करना जो तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।